दूध पीने का सही समय क्या है? इस बात को लेकर हर किसी के मन में दुविधा रहती है। कई लोग कहते हैं दूध नाश्ते के साथ पीना अच्छा होता है, तो कई लोग कहते हैं दूध रात में पीना अच्छा होता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि दूध हमें किस समय पीना चाहिए और किस समय दूध पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। दूध में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन के, विटामिन B12, थायमिन, निकोटीन एसिड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इनसे ही हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है। अक्सर ये देखा गया है कि हम बच्चों को दूध पीने के लिए ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम दूध की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि बढ़ती उम्र में दूध पीना उतना ही ज़रूरी है जितना बचपन में। और बहुत से लोग अपने कंफर्ट के अनुसार दूध पीते हैं, जैसे बच्चों को नाश्ते में दूध दिया जाता है और बुजुर्गों को रात को। दूध पीने का सही समय क्या है? इस बात को लेकर हर किसी के मन में दुविधा रहती है। कई लोग कहते हैं दूध नाश्ते के साथ पीना अच्छा होता है, तो कई लोग इसे रात में पीना सही समझते हैं। हालांकि अगर दूध का सेवन दिन में किया जाए तो हमें दिन भर एनर्जी प्रदान करता है, और यदि रात में किया जाए तो यह हमारे दिमाग को शांत करके और एक अच्छी नींद प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं आयुर्वेदा में दूध को रात में पीने के लिए प्राथमिकता दी गई है। तो आइए जानते हैं कि दूध को अलग अलग समय पीने पर अलग अलग फायदे और अपने ज़रूरत के अनुसार दूध को सही समय पर पिएं। बहुत से लोगों को सुबह में दूध पीने से मना किया जाता है, क्योंकि दूध पाचन में काफ़ी भारी होता है और जिस कारण से दूध आपकी बॉडी में ईजिली नहीं पच पाता है। लेकिन यदि आप सुबह में दूध पीते हैं तो इसका एक ग्रेट बेनिफिट है कि दूध आपको दिन भर एनर्जी प्रदान करता है। यदि आप दिन भर एनर्जेटिक रहना चाहते हैं और आपका पाचन तंत्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो दूध का सेवन सुबह में जरूर करें। दोपहर के समय दूध पीना बुजुर्गों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे शरीर को ताकत मिलती है। यदि आप दूध का सेवन शाम के समय करते हैं तो आपकी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और रात में दूध को पीना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर की दिन भर की थकान मिट जाती है और आपको एक अच्छी नींद आती है। दूध में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड की मौजूदगी से नींद के हार्मोन्स के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसी कारण से रात को दूध पीने से अच्छी नींद आती है। दूध कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। दूध में प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों के विकास के लिए लाभदायक होता है। दूध पीने से पहले आपको इन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। कमजोर पाचन, त्वचा संबंधी समस्याओं, खांसी, अपच और पेट में कीड़े जैसे समस्याओं से परेशान लोगों को दूध के सेवन से बचना चाहिए। दूध को कभी भी भोजन के साथ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये जल्द हजम नहीं हो पाता है। और हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आपको कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। कच्चा दूध आपको इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। न्यूट्रल pH, भरपूर मात्रा में पानी और अन्य पोषक तत्वों की मौजूदगी के कारण कच्चे दूध में बैक्टीरिया अधिक मात्रा में पनपते हैं और ये लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, और यही वजह है कि कच्चा दूध काफ़ी जल्दी खराब भी हो जाता है। तो आप भूल कर भी कच्चे दूध का सेवन नहीं करें। दूध पीने से हमारा वजन घटता है। इसराइल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में ये साबित किया गया है कि दूध हमारे वजन को घटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि दूध कैल्शियम और विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो कि शरीर के चर्बी को ख़त्म करने में मदद करता है। दूध में प्रोटीन और पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखती है, जिस कारण से आप ज़्यादा फूड का सेवन नहीं करोगे, जो कि आपके वजन को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूध के अंदर कंजुगेटेड लेरोनिक एसिड होता है, जो मोटापे वाले व्यक्ति के शरीर के चर्बी को कम करता है, और अपना वजन कम करने के लिए हमेशा स्किम मिल्क का सेवन करें, क्योंकि स्किम मिल्क के अंदर क्रीम को रिमूव कर दिया जाता है, जो कि आपके फैट को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार दूध को सही समय पर पिए और हमेशा हेल्दी और फिट रहें। आप दिन में दूध कितनी बार पीते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और आप अपने हमें सारे डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।